हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज स्वागत है आपका इस लेक्चर वन में, जो हमने इसके पहले एक एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कवर होते हैं। तो उस पर हमने एक पूरा एक्सटेंसिव सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, दैट वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। और अब ये शुरू करते हैं हम एक हमारा सेकंड वीडियो जो है, जिसपे आज हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसके स्रोत क्या हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई आर सोर्सेज इंपॉर्टेंट। तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी नई जगह पे जाते हैं, जैसे हम कहीं पे भी जाएंगे, जैसे मान लीजिए आज हम ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान करते हैं, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो अगर हमको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो हम वहाँ पर जाके करेंगे क्या? तो वहाँ पर हमें किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हम अगर वहाँ पे गाइड नहीं करेंगे तो वी विल स्टडी सम काइंड ऑफ सोर्स, या फिर कोई हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक बुक पढ़ेंगे कि, या फिर गूगल करेंगे कि व्हाट आर दी प्लेसेस टू सी इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में देखने लायक कौन कौन सी जगह है। लेकिन हम किसी ना किसी चीज़ को तो रेफर करेंगे ही कर रहे होंगे। तो जब हम किसी चीज़ को रेफर कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसका, यानी कि हम या फिर उसका स्रोत तैयार कर रहे हैं कि भाई उधर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहां पे हम देख सकते हैं, जिनको हम वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री इज नो अदर एक्सेप्शन टू दिस, हिस्ट्री कोई अलग तो है नहीं, हिस्ट्री भी वही है। तो चलिए देखते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज को डिवाइड करेंगे अगर हम, तो सोर्सेज हमारे डिवाइड होंगे दो पार्ट में, एक तो लिटरेरी और एक आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो लिखे गए हैं, विच आर रिटन। जो सोर्सेज लिखे गए हैं वो होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, और जो सोर्सेज हम देख सकते हैं विच कैन बी सीन वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी ये आ रही है, जो इनमें कम्युनल क्रैश हो रहा है कि लिटरेरी को भी हम देख सकते हैं और आर्कियोलॉजिकल को भी देख सकते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि देख तो हम दोनों को सकते हैं, लेकिन इसको हम रीबिल्ड नहीं कर सकते। क्या हम ताजमहल को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हम लिटरेरी सोर्स में, यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं या फिर कोई भी लिटरेरी सोर्स है, जैसे कि रामायण है, अब रामायण ओरिजिनली गीता प्रेस ने थोड़ी लिखी होगी, ओरिजिनली तो किसी और ने लिखी होगी ना, ओरिजिनल तो किसी और फॉर्म में लिखी गई होगी ना, लेकिन अब उसको क्या है, गीता प्रेस भी है और भी बहुत सारी एक्स वाई जेड पब्लिकेशन हैं जो अपने अपने तरीके से इसमें चेंजेस करके लॉन्च करती हैं, और ऐसी बहुत सारी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है, दैट इज एट इट्स इंडिविजुअलिटी, मींस वो ओरिजिनल सोर्स में अभी भी है, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन लिटरेरी सोर्स में वी कैन चेंज, है ना, तो एक ये सबसे बड़ा चेंज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये लिटरेरी सोर्स हो जाता है। तो लिटरेरी सोर्स एक ऐसा सोर्स है, लिटरेरी सोर्स वो सोर्स है जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जितनी भी चीजें रिटन है, जो भी चीजें रिटन है वो सब लिटरेरी सोर्स के अंडर में कवर होंगी, और जितनी भी चीज और जितनी भी चीजें सॉरी जितनी भी चीजें जो हैं वो हम देख सकते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगी। तो लिटरेरी सोर्सेज को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इंडिजिनस और फॉरेन में। इंडिजिनस यानी कि जो हमारी इंडिया की खुद की है, यानी जो इंडियंस ने लिखी, जो इंडियंस ने लिखी हैं वो इंडिजिनस हो गई, और जो फॉरेन वाले लोगों ने लिखी हैं वो फॉरेन की हो गई। जैसे कि हमारे फॉरेन इन्वेजन्स जो हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही फॉरेन इन्वेजन्स स्टार्ट हुए थे, सेल्यूसस था वो सबसे पहला था, और भी बहुत सारे अलेक्जेंडर दी ग्रेट हैं, अरब्स आए हैं और चाइनीज इन्वेजन्स हैं, और भी बहुत सारे इन्वेजन्स हैं। हम अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से भी आए हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड से भी है, साउथ साइड से भी हैं, और अरब इन्वेजन्स हैं, अरब इन्वेजन्स ऑब्वियसली यहीं से आएंगे, चाइनीज इन्वेजन्स हैं, और हमारे ग्रीको रोमन, तो ग्रीको रोमन भी यहीं से कहीं से आएंगे, है ना। तो इस तरीके के जितने भी हमारे जो ये हैं सोर्सेज, ये फॉरेन या फिर इसको इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ
लिटरेचर फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, और ये हमारे जो है ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में, यानी कि धार्मिक और अधार्मिक। यानी कि कुछ पुस्तकें या कुछ बुक्स जो हैं दैट वर रिलीजन दैट वर रिटन फ्रॉम कीपिंग रिलीजियस पर्सपेक्टिव इन माइंड। तो जब रिलीजियस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखेंगे तो कुछ बुक्स लिखी गई होंगी जो धार्मिक सुधार, धार्मिक प्रवृत्ति के उससे लिखेंगे, धर्म को परिवर्तन, धर्म को परिवर्तन मीन्स टू प्योरीफाई दी रिलीजन, ठीक है, धर्म को प्योरीफाई करने के लिए लिखेंगे। और नॉन रिलीजियस जो है वो धर्म को इस तरीके से लिखी गई होंगी कि ये डेली लाइफ में या इकोनॉमी, जैसे कि अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, तो ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंट्री के बारे में बताई जाती है कि व्हाट शुड अ किंग डू, व्हाट शुडंट अ किंग डू, किंग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से पतंजलि की जो महाभाष्य है वो भी इस तरीके से, संगम लिटरेचर में बहुत सारे सीन्स है, नीति सार है, वर्क्स ऑफ कालिदास है, बाणभट्ट है, और कल्हाना रजत रंगिनी है जिसमें कि बताते हैं इसमें किंग्स ऑफ रिवर के बारे में बात हुई है, किंग्स ऑफ रिवर के बारे में। और अगर हम रिलीजियस में देखें तो रिलीजियस में हमारे पास वेदास हैं, वेदांगास हैं, धर्मशास्त्रास हैं, भगवत गीता है, बुद्धिस्ट बुक्स हैं, जैन है, जैसे कि बुद्धिस्ट बुक्स में अगर हम बात करें तो जो हमारी है बुद्धिस्ट बुक्स में अगर हम बात करें जाटका स्टोरीज हैं, जाटका टेल्स हैं, जो बुद्धिस्ट के पहले के 200 प्रीवियस बर्थ के बारे में बताते हैं, और पुराणास हैं, वेदांगास हैं, वेदांगास हैं, पुराणास, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी जो रिलीजियस टेक्स्ट पर लिखी गई। निकल नॉन रिलीजियस टेक्स्ट की बात करेंगे अगर हम तो वो ये वाली वीडियो सॉरी ये वाली बुक जो है लिखी गई होंगी। इसके अलावा जो फॉरेन से रिलेटेड बुक्स हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया जब इन्वेजन हुआ तो उन्होंने जो देखा, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो देखा जैसे कि सेलेसिस था, सेलेसिस वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके बाद सेलेसिस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ही एज एन हिस्टोरियन रखा गया था। तो अब वो हिस्टोरियन है तो वो ये देखेगा कि क्या क्या चीजें जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हो रही थी, अबाउट उसकी इकोनॉमी कैसी थी, उसकी पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे थे, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का एक्सटेंट कहां कहां तक था, कितना दूर दूर तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था, ये सब चीजें वो देख रहे होंगे। तो वो उन्होंने अपनी बुक लिखी होगी। तो इसी तरीके से ग्रीको रोमन राइटर्स में मेगास्थनीज है, पेलिनी है और स्ट्राटो है, और चाइनीज में अगर हम बात करते हैं युआनसांग, फाहिन, और अरब में अलबरूनी और अल सुलेमान। तो ये हमारा जितना भी था ये हमारा लिटरेरी सोर्सेज जो था वो कवर हो गया। अब हम देखते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं विच कैन बी सीन, ठीक है, और एंड फेल्ट, है ना। अब इसको सीन एंड फेल्ट लिटरेरी सोर्सेज को हम सिर्फ सी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को सीन एंड फेल्ट हो सकता है ना, और इसमें कोई ऐसा ड्रास्टिक मेजर चेंज नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये तो वैसे ही है। तो इसको खोजने के, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को खोजने के दो तरीके हैं, या तो एक्सकवेशन या एक्सप्लोरेशन। एक्सकवेशन होगा जब तुम इस तरीके से अर्थ में, व्हेन यू गो डीप बिनीथ द अर्थ, ठीक है, तुम अर्थ के नीचे तक जाओगे खुदाई करोगे तो यू विल फाइंड एक्सकवेशन। और एक्सप्लोरेशन क्या होगा, जब तुम इस तरीके से जाओगे, यू गो साइड बाय साइड ऑन द अपर सर्फेस ओनली, तो नीचे ज्यादा डिग नहीं करते हो लेकिन बस अपर सर्फेस पर डिग करते हो, जैसे कि इतना बड़ा एरिया तुमने डिग किया। लेकिन अगर तुम एक्सकवेशन कर रहे हो तो तुम इस तरीके का एरिया डिग करोगे, ना कि इस तरीके का, तो इस तरीके का एरिया जो तुम डिग करोगे वो एक्सकवेशन होगी। इसके बाद सोर्सेज की अगर हम बात करें कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, तो मोन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पैलेसेज हैं, ठीक है, फोर्ट्स हो गए, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, ग्रेट बाथ है, देखो ग्रेट बात हमारा मोहनजोदारो में इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, कॉइन्स हो गए, जितने भी गुप्ता कॉइन है, गुप्ता एज है, उसके बाद संगम एज में जितने भी कॉइन्स थे, अकबर के कॉइन्स, वो सब। इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो जो लिखी गई थी इंस्क्रिप्शंस वो लिटरेरी सोर्स में भी आएंगी, लेकिन ऐसे अगर हम उसको देखेंगे इस वाले फॉर्म में तो वो इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे भी हैं। और पॉटरीज हैं, टूल्स और इम्प्लीमेंट, जितनी भी आईवीसी में भी टूल्स थे काफी, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी हैं जितनी भी, और अदर रिमेन्स जैसे कि स्कल एंड बोन, किसी का नर कंकाल है, और जो जब आईवीसी के टाइम पे लोगों को गाड़ते थे तो उसके साथ डॉग्स के रिमेन्स भी मिले हैं, गोट के रिमेन्स भी मिले हैं, दैट सजेस्ट की लाइफ आफ्टर डेथ है, वो चीजें हैं यहाँ पे, और इस तरीके से। चलिए अब इसका एक एक करके पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस किस तरीके से हैं और क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्स है लिटरेरी सोर्स में जो सबसे पहला सोर्स है वो है पुराणिक लिटरेचर,
पुराने लिटरेचर में अगर हम देखें तो बहुत वास्ट है, सबसे वास्ट जो है वो पुराने लिटरेचर ही है। अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स लिटरेरी सोर्स कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा सोर्स जो लिटरेरी सोर्स का है जो बहुत वास्ट, वास्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज पुराने लिटरेचर। पुराने लिटरेचर से ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक कोई कोई और सोर्स दे ही नहीं पाया, चाहे वो रामायण, रामायण कितनी बड़ी है लेकिन पुराण से बड़ी नहीं है। मीन्स पुराण से इन द सेंस नॉट नॉट इन द कैपेसिटी, कैपेसिटी होल्डिंग में तो वो बहुत अलग है। और हर एक देखिए आप किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट? तो एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपेयर, एप्पल अलग चीज है और ऑरेंजेस अलग चीज है। इसी तरीके से हर एक रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस बुक है उसका अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो पुराने लिटरेचर बहुत वास्ट है। अब इसके बारे में बात करें तो 18 मेन पुराण है इसमें, जो पुराण है वो 18 मेन पुराण है और 18 सब्सिडरी बुक्स हैं, जो सब्सिडरी बुक्स हैं दैट आर 18 इन नंबर, ठीक है। और भी बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हैं, इसीलिए इसका वास्ट है। कि देखिए पुराने लिटरेचर की डिफिनेशन, पुराने लिटरेचर को किस तरीके से डिफाइन किया गया, 18 मेन बुक्स और 18 सब्सिडरी एंड अदर्स, अदर लार्ज अदर बुक्स। तो 18 ये, 18 ये और अदर, तो ये कितनी ज्यादा होगी ना, वास्ट, इसीलिए इसको बोला वास्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पुराणा में जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया गया, पुराणा में क्या डिस्कस किया गया था, पुराणास के जो सब्जेक्ट मैटर यानी किस चीज पे पुराणास है, तो सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट मैटर और देखते हैं सब्जेक्ट मैटर में क्या है। सबसे पहले जो है, जो पुराणास में नरेशन है वो एक एनुअल रिचुअल फॉर्म में है, एनुअल रिचुअल फॉर्म में है, यानी कि पुराणास जो है वो एनुअल रिचुअल किस तरीके से है कि इनको हर साल बोला जाता था, कहां, इन विलेजेस एंड टाउन्स, तो अब हर साल बोला जाता था, इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंज किए जाएंगे। और ये कब बोला जाता था, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है, और फेस्टिवल्स। तो ऑब्वियसली इसमें रेनी सीजन और फेस्टिवल्स के बारे में चीजें बोली जाती होंगी, तो ये फेस्टिवल, फेस्टिवल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि इसमें फेस्टिवल की इंफॉर्मेशन होगी ही होगी, और इसमें रेनी सीजन के टाइम के क्रॉप्स, रेनी सीजन के टाइम क्या होता था, हार्वेस्ट, इन सब की इंफॉर्मेशन भी होगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसका एक और था, टू अवेयर रिलीजियस कॉन्शियसनेस, यानी कि धार्मिक जो है सुधार और धार्मिक प्रचार हो सबके बीच, इसलिए भी वेदास का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए भी वेदास, सॉरी वेदांगास का इस्तेमाल किया जाता था, दैट इज पुराणिक लिटरेचर। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसमें जो है रॉयल फैमिलीज की, सेकंड टॉपिक जो है इसमें रॉयल फैमिलीज के बारे में बात करी गई है, इसमें रॉयल फैमिलीज के बारे में किस तरीके से बात करी गई है, जैसे कि परीक्षित है, ठीक है, परीक्षित ये किसका ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन, ये अर्जुन का ग्रैंडसन है और इसको बेंचमार्क बनाया गया है, इसको क्या बनाया गया, बेंचमार्क, कि मतलब बेंचमार्क क्या था, कि किसी का भी कंपैरिजन करेंगे तो परीक्षित से करेंगे जब हम पुराने लिटरेचर की बात कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में है तो एक कोई टॉपर बच्चा होता है, और जो तो मैम होंगी तो उसकी हर बच्चे की कंपैरिजन टॉपर बच्चे से करेंगी, तो देखो उसके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, या तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आए हैं टॉपर बच्चे से, तो तुम टॉपर बन जाओगे ऑब्वियसली। तो इसी में भी पुराने लिटरेचर, पेन को क्या हो गया, सॉरी, पुराने लिटरेचर में अगर हम बात करें तो इसको पुराने लिटरेचर में परीक्षित को बेंचमार्क बनाया गया, कि भाई ये परीक्षित जो है ये बेंचमार्क है, और अब जिसका भी कंपैरिजन होगा वो परीक्षित से होगा, कि वेदर इज बेटर देन परीक्षित और नॉट, वो परीक्षित से ज्यादा अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो अब इसमें ये एक बात करी गई है, दूसरी इसमें जो बात करी गई है वो ये, ठीक है, अब जितनी भी डायनेस्टीज आगे पहले थी, ठीक है, जितनी भी डायनेस्टीज, डायनेस्टीज जो थी और किंग्स, ठीक है, डायनेस्टीज और किंग्स, इनको सबको किस टेंस में बात करी गई, पास्ट टेंस में, मतलब पहले, यानी कि वाज
हैड बीन, सॉरी हैड बीन, इसका फॉर्म यूज किया गया होगा, ठीक है, जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया होगा पुराने लिटरेचर को, तो इस वाले फॉर्म का इस्तेमाल जरूर किया गया होगा, वाज और हैड बीन, क्योंकि पहले दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स, यानी कि पुराना, ठीक है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं पुराने लिटरेचर, पुरानिक तो पुराना, पुरानिक लिटरेचर मीन्स पुरानी लिटरेचर, पुरानी लिटरेचर, राइट। तो इस तरीके से मैनी स्कॉलर्स, ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी सोचते हैं कि पुराना कंप्लीट करी गई थी, क्योंकि पुराना को कंपेयर भी पारीक्षित के, पारीक्षित का बेंचमार्क है, तो पारीक्षित के टाइम पे ही उनको बनाया गया होगा, ये बहुत सारे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस का कहना है, स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस, देखिए जितनी भी बातें हैं ये सब हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, तो इनका कहना है कि पारीक्षित के टाइम पे ही इन सब चीजों को बनाया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना पारीक्षित ही बेंचमार्क था, ये पारीक्षित को ही बेंचमार्क बनाया गया था, तो इसीलिए ये चीज हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें पुराना की जब बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया के बारे में ये बात जरूरी है कि इतिहास, यानी कि इतिहास जो है, यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि हिस्ट्री पढ़ने से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का पता चलता है, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों का पता चलता है इतिहास में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों का, तो ये कौन बताता था, पुराणिक लिटरेचर, पुराने लिटरेचर करने का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए इसको हम रेड पेन से लिखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि एक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है जो, यानी कि एक व्यक्ति है जो, इसका जो दायित्व है, इसकी जो कर्टेसी है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक हायरार्की सिस्टम में है, एक हायरार्की सिस्टम जो होता है उसके अंडर में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी खुद के लिए, मतलब खुद का डेवलपमेंट, खुद का विकास, फिर इसकी फैमिली आती है, ठीक है, जब ये खुद का विकास कंप्लीट कर लेगा तब ये अपनी फैमिली के लिए, फैमिली के वेलफेयर के लिए करेगा कुछ भी काम, जब फैमिली के वेलफेयर हो जाएगी तब ये तब इसकी फैमिली से ये अपने कुल के लिए काम करेगा, यानी क्लैन के लिए, जब क्लैन का भी भला हो जाएगा तब ये अपने विलेज के लिए काम करेगा, अपने गांव के लिए, जब विलेज का भी काम हो जाएगा तो ये अपने जनपद के लिए काम करेगा, जब जनपद का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो ये राष्ट्र के लिए काम करेगा, और जब राष्ट्र का अल्टीमेटली काम खत्म हो जाएगा तो ये ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हायरार्की सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने पूरे कुल के लिए, गांव के लिए, पूरे एक जनपद के लिए और राष्ट्र के लिए, फिर ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। इस तरीके से बात पुराने लिटरेचर में लिखी गई थी। अब देखते हैं आगे, फिर से करेंगे पेन चेंज, राइट। अब इसमें यह लिखा है कि हिस्ट्री को सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि बस इसमें बहुत सारे नाम हैं और डेट हैं, जैसा कि आज सब हम हिस्ट्री को समझते हैं, लेकिन अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्यों, लेकिन हिस्ट्री को बोरिंग बनाने वाले कुछ हिस्टोरियंस हैं जो सिर्फ नेम्स और डेट के बेसिस पे हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, और उसी डेफिनेशन की वजह से
हिस्ट्री की बदनामी होती है। तो पुराने लिटरेचर में हिस्ट्री सिर्फ नेम्स और डेट्स के साथ कंसर्न नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसमें क्या है, इसमें स्टोरीज होनी चाहिए, इसमें पोएम्स होनी चाहिए, इसमें बायोग्राफीज होनी चाहिए, इसमें ऑटोबायोग्राफीज होनी चाहिए, के बारे में होना चाहिए, ना कि ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफीज के बारे में, विक्ट्रीज के बारे में होनी चाहिए, बैटल्स के बारे में होना चाहिए, लव स्टोरीज के बारे में होनी चाहिए बातें, जिससे कि रीडर के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, कि वो इन इन चीजों को पढ़ के एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा अपने अंदर, ना कि सिर्फ मेमोराइजिंग नेम्स और डेट्स। दैट डजेंट क्रिएट अ मेयर काइंड ऑफ इमेज, दैट विल मेक अ पर्सन डल, बट वेल रीडिंग दीज थिंग्स पर्सन विल बी टू हैप्पी एंड कीन इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए पुराने लिटरेचर ने इन इन पैरामीटर्स की बोला है कि हिस्ट्री में ये पैरामीटर्स का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद पुराने लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो दो एपिक्स हैं, जो दो टेल्स हैं, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी और अच्छी, वो हैं दी रामायण, जैसे कि हम सब जानते हैं, और महाभारत। और ये सोर्स भी हैं बहुत अच्छे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के। और ऑब्वियसली जैसा कि हम ज्यादातर लोग जानते हैं कि रामायण और महाभारत से बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, यानी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है, राइट। तो इस तरीके से ठीक। अब इसमें इंटरपोलेशंस भी होते हैं, लेकिन इंटरपोलेशन मीन्स चेंजेस। बदलाव बदलाव इसमें होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई ऑथर है, उसने कुछ बोला है, कोई अगर एक्स ऑथर है, उसने कुछ और बोला है, वाई कुछ और बोला है, ठीक है। अब पुराणास में नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, पुराणास डजंट सेटिस्फाई। अब देखो एक ड्रॉबैक है इसका, पुराणास जो है सेटिस्फाई नहीं करता है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टोरियोग्राफी को, यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टोरियोग्राफी जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट हिस्टोरियंस, पुराणिक लिटरेचर इज नॉट एन हिस्टोरिकल सोर्स। पुराणिक क्योंकि इन्होंने नेम्स और डेट्स का क्रिटिसिज्म किया है, इसके लिए पुराणिक, इसी वजह से एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि पुराणिक लिटरेचर का क्रिटिसिज्म किया गया हो, बिकॉज दे हैव इवन क्रिटिसाइज नेम्स एंड डेट्स, बट हिस्ट्री इज मेनली कंसिडर्ड विद नेम्स एंड डेट्स, ठीक है। और एक और बात जो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने कही है कि पुराने लिटरेचर को डेवलप करते समय हिस्टोरियन क्राफ्ट्स नहीं देखी गई थी, मतलब जब पुराने लिटरेचर लिख रहे होंगे तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि इसको एक हिस्ट्री के सोर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आज हम अपने नोट बना रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नोट नहीं बनाता कि हमारा भाई का मामा का चाचा का लड़का इसको पढ़ के ही निकलेगा, वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो पुराने लिटरेचर को इसीलिए बनाया गया था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ना कि हमारे किसी फ्यूचर में जो हमारे लोग होंगे वो इस चीज को पढ़ के समझ सके, ठीक है। आप देखते हैं आगे, जो रामायण, अब रामायण की बात करते हैं, वाल्मीकि, इसमें स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात करी गई है 70 BC से 4 AD के बीच। और इसमें जो वर्सेस हैं, जो दोहे हैं, इसमें वो हैं कितने, 8800 ओरिजिनली जो लिखे गए थे वाल्मीकि के अकॉर्डिंग, टू वाल्मीकि। और ये वर्सेस किसके हैं, वो डीलिंग विद विक्ट्री, विक्ट्रीज के बारे में इसमें बताया गया है,
लेकिन लेटर रियलाइज हिस्टोरियंस को हुआ कि इसमें 24,800 नहीं बल्कि 24,000 24,000 वर्नाज हैं इसमें, 24,000 वर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू भरत ट्राइब, जो हमारा कंट्री का नाम भारत है वो इस भरत ट्राइब के ही बेसिस पे पढ़ा गया है। दिस वॉज द अर्लीस्ट ट्राइब दैट वॉज फाउंड इन इंडिया एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ट्राइब, ठीक है। भरत, तो भरत से भारत बना है, भारत वर्ष इधर इसलिए आ गया है। ठीक है, और इसमें 24,000 वर्सेस की बात भी करी गई है। और अकॉर्डिंग टू सम स्टोरियंस इसको महाभारत, ये महाभारत के बाद हुआ। अब ये ऐसा है या नहीं वो नहीं है, जो पॉइंट मेंशन करना था यहां पे वो मैंने किया है कि दिस वाज अकॉर्डिंग टू सम स्टोरियंस रामायण के, महाभारत के बाद ही रामायण आई है ना कि पहले, बट इस पे एविडेंसेस कम है तो नो बडी बिलीव दिस फैक्ट कि रामायण पहले आई है महाभारत बाद में आई है। बिकॉज इज वॉज सम लाइक राम जी जो है त्रेता युग में आए थे और कृष्ण जी जो हैं वो द्वापर युग में आए थे। सो दिस इज समवॉट डिफरेंट, लाइक त्रेता द्वापर आई डोंट नो वॉट एवर इट इज, पता नहीं, लेकिन ये है आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। और इसके बाद देखते हैं चलिए अगला, क्योंकि हमारे यहाँ पर धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं चल रहा है, यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल रिसोर्सेस का रिकंस्ट्रक्शन करना है। और अब देखते हैं महाभारत। महाभारत अकॉर्डिंग टू व्यास, महाभारत अकॉर्डिंग टू व्यास इसमें 70 BC से 4 AD के अफेयर्स को देखा गया है। ठीक है, और इसका फाइनल कंपाइलेशन वही 8,800, इसका भी 24,000 और फाइनली 1 लाख। और इस 1 लाख कंपाइलेशन को महाभारत बोलते हैं। पूछ सकते हैं महाभारत को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको लिख सकते हैं सतशास्त्री, सॉरी सतश्री सत्री सामहित। जब हम सामहित का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसमें और देखेंगे, लेकिन इसको सत्यश्री सामहित के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो कवर है वो है पोस्ट मौर्य और गुप्ता। गुप्ता टाइम्स, ठीक, पढ़ते हैं आगे। पुराने लिटरेचर का लिमिटेशन देख लेते हैं। पुराने लिटरेचर का लिमिटेशन जो है सबसे बड़ा इसमें, सबसे बड़ा क्योंकि इन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जब हम किसी चीज का क्रिटिसिज्म करेंगे तो हम अपने में इंक्लूड करेंगे नहीं, तो डेट और इवेंट्स नेम दे हैवंट मेंशन्ड, मेंशन किया ही नहीं अपने अपने सोर्स में, राइट। ध्यान, पुराने लिटरेचर, इसके आगे मैं यहां पे लिख देता हूं लिमिटेशंस। अब देखते हैं पुराना और एपिक्स की अगर हम बात करें तो जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी इज मिसिंग, यहां पे लिख देता हूँ नो। जीनियोलॉजी इज मिसिंग मींस हायरार्किकल सिस्टम, हायरार्की नहीं बताई किसी भी चीज की हायरार्की नहीं बताई कि इसके पहले कौन था, राइट। तो अगर मान लीजिए इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर कौन है और इसके नीचे कौन था ये नहीं बताया है, ये मिसिंग है। ठीक है,
और एक और जो इसमें है ड्रॉबैक वो ये है कि पुराणिक लिटरेचर में लॉर्ड राम जो अयोध्या के किंग थे वो बताया गया 2000 BC में, ठीक है। लेकिन जब एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन किया गया तो ये पता चला कि 2000 BC में लॉर्ड राम का कुछ अता ही पता नहीं था, ठीक है। यानी कि 200 से 300 AD के बीच लॉर्ड कृष्ण आए थे। लेकिन अब इसके पहले की बात करें तो 2000 BC में जो पुराने लिटरेचर के अकॉर्डिंग बात बोलता है बोलते हैं ये कि रामायण वॉज एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो इस टाइम पे ये नहीं है और लॉर्ड कृष्ण के एविडेंसेस मिलते हैं इस टाइम पे, राइट। तो रामायण और महाभारत को बहुत एजेस में रिफाइन करने के बाद एक ये पता कर पाना मुश्किल है कि स्पेसिफिक टाइम डेट क्या है डेट, लेकिन पुराना जो है दे अश्योर दिस थिंग। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियंस स्पेसिफिक टाइम डेट, टेलिंग द स्पेसिफिक टाइम डेट ऑफ रामायण एंड महाभारत इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, राइट। विद दिस आई एंड अप द टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।